चार बार आप लोग सत्ता में है, कैसे इन चुनौतियों से आप लोग लड़िएगा? नहीं, हमें पूरा विश्वास है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व पे, वो सारी चीज़ों को वो देखेंगे और समस्या का जो भी होगा निदान वो करने का काम करें। 1932 सरकार ने यहाँ से पास किया, आप लोगों का क्या स्थान है? 1932 के स्थानीय नीति में कैबिनेट से पास हुआ है, आप लोगों का क्या स्थान? अरे हम लोग का स्टैंड के मंत्री हैं, त्रिपुरा में आज मंत्री हैं तो कैबिनेट में ये भी तो थे ही। कैबिनेट के डिसीजन के साथ, कैबिनेट के डिसीजन के साथ, कैबिनेट के डिसीजन के साथ। बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है ना तेजस्वी जी, बिहारियों को यूपी वालों को टारगेट से बाहर किया जा रहा है, मंत्री उनको यहाँ पे टारगेट किया। मंत्री ये कह रहे हैं कि बिहार से आके लिट्टी चोखा यहाँ पे बना के भेज के यहाँ घर देने ठोक ले रहे हैं, जो कि यहाँ के आदिवासी नहीं कर पा रहे, वो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हमको लगता है कि आप लोग जो है करोड़ मरोड़ के जो है उनकी बात को समझ रहे हैं। उनका जो है प्रायोरिटी जो है झारखंड के निवासी हैं, उस हिसाब से उन्होंने कहा हो। अमित शाह ने कहा कि आप लोग बीजेपी के डर से इलू इलू कर रहे हैं, ये वर्ड था आज अमित शाह का त्रिपुरा में, भाजपा के डर से एक हो रहे हैं। नहीं, इसमें लाइट माइंडेड पार्टीज अगर साथ मिलकर लड़े तो बुराई क्या है? ये सब बकवास बातें हैं, डर क्या है? में है कि नहीं? और जब एनडीए बना था, जब भाजपा जब थी तो एनडीए बनाया था, उसमें कितने दल थे शुरू में, इसका मतलब क्या था? दो जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, आप स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं मेरा मकसद आप एक बात समझ जाइए, पहले पार्टी को हम लोग जो है मजबूत कर लें, है ना, संगठन को हम लोग और तैयार कर लें, और ऐसे इश्यूज वगैरह तो आते रहें, लेकिन हम लोग जब चुनाव में जाते हैं तो बाकायदा मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, तो उसमें बात और कोई महत्वपूर्ण बात होगा तो इस विषय को जो है मंत्री हैं और यहाँ के प्रदेश के लोग हैं वो देखेंगे। अब आपने बात कही 1932 को लेकर के यहाँ के, आप एक बात समझ जाओ ना भैया, यहाँ मंत्री हैं ना, प्रदेश के लोग हैं, इस चीज को देखेंगे, काबिल लोग हैं। 2024 में आपने तय किया है कि कितने सीटों पर आप? नहीं नहीं, अभी कोई अभी कोई तय नहीं, संगठन आप तो जाते हैं, अभी कोई चीज का तय नहीं है कितने सीट पे हम लोग लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। मकसद है भाजपा को, तेजस्वी ने की मकसद है भाजपा को, आप झारखंड के स्थानीय मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप पार्टी से लड़ना चाहते हैं? हमारी पार्टी की अलग विचारधारा है, सेक्युलरिज्म, सामाजिक न्याय, और हम चाहते हैं कि जो लोग देश में संविधान लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं उनके खिलाफ हम मजबूत हों, और जो स्थानीय जो मुद्दा होगा उसमें हम लोग देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देखते। तेजस्वी जी, नीतीश जी ने कहा है कि बिहार में जब होगा तो बताया जाए। अडानी का मामला, हम लोगों का प्रयास है कि झारखंड में अपनी ताकत को बढ़ाने का और साथ ही साथ संगठन को मजबूत करना, और ख़ास तौर पे झारखंड से हमारा लगाव रहा है पहले से, तो इस सिलसिले में हमारी कोशिश है कि पार्टी को फिर से जो है मजबूत किया जाए, और यही नहीं झारखंड की जो परिस्थिति है उसको हम लोग जानते हैं, और हम सब लोगों ने महागठबंधन बनाया था जिसमें नेतृत्व जो है शिबू सोरेन जी कर रहे थे और हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बने, हम सब लोगों का समर्थन है और मजबूती के साथ गठबंधन को और मजबूत करेंगे। साथ ही साथ पहले हमारा तय कार्यक्रम जो था उसको हम लोग जो है बीच में उसमें ब्रेक लगा था राजनीतिक परिस्थितियों के वजह से, तो उसको देखते हुए हम लोग फिर से जो है इसकी शुरुआत जो है हम लोग करने जा रहे हैं। कई जिलों में जो है हम लोग जो है कार्यक्रम जो है करेंगे, आप लोगों को सूची जो है वो दे दी जाएगी, लेकिन हम लोगों का मेन मकसद है
भाजपा और आरएसएस को जो है किसी भी कीमत से झारखंड में मजबूत नहीं होने देना, उनको पनपने नहीं देना और मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, पार्टी के अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, जयप्रकाश जी हैं, श्याम रजक जी हैं, यहाँ पार्टी के संजय यादव, दोनों संजय यादव हैं, अभय सिंह जी हैं, सुभाष जी हैं, सभी लोग पार्टी के लोगों को हम लोगों ने एकजुट किया है। भोक्ता जी हैं जो मंत्री हैं आरजेडी से, तो आप सब लोग गो के सामने जो है ऑलरेडी हमने बात रखी दी है जनसभा में, तो और कोई इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है। आप लोग अभी यहाँ पे सत्ता में हैं, लेकिन जिस तरीके से